बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ दही बूंदियाँ। दही लिया आधा किलो, दही को फेंट लिया है। दही बूंदियाँ गर्म पानी में 2 मिनट के लिए डिप करके निकाल ली है। दही फुलके लिए हैं, उसको भी बॉयल कर लिए। 2 आलू लिए, उनको बॉयल करके कट कर दिया। साथ ही जाएगा हरा धनिया। 1 प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, और इसमें जाएंगी 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। 1/2 टीस्पून जाएगा नमक, 1/2 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च, 1 टीस्पून जाएगी काली मिर्च, 1 टीस्पून जाएगा इसमें चाट मसाला। अब लेते हैं बाउल और को बनाते हैं। यहाँ पे एक बड़ा बाउल ले लिया है, इसमें जाएंगे दही बूंदियाँ और साथ ही इसमें जाएंगी दही फुलकियाँ, आलू, साथ ही इसमें जाएंगे प्याज, साथ ही हरी मिर्चें। दही डाल के मैं मसाले इसमें मिक्स करती हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट दिया है। अब इसमें दही डालती हूँ। दही, साथ ही इसमें चाट मसाला और काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च, हरा धनिया डाल के इसको करती हूँ मिक्स। हरा धनिया डाल दिया है, अब इसको करती हूँ मिक्स और करते हैं डिश आउट। हमारी दही बूंदियाँ हो गई हैं तैयार, इसको करते हैं डिश आउट। यहाँ पे लेंगे एक बाउल, इसमें करते हैं डिश आउट। यहाँ पे एक डिश लिए, उसमें सर्व कर दिया है। अब इसको डेकोरेट करते हैं हरा धनिया और हरी मिर्चों से। आप भी अफ्तार में ज़रूर बनाएं, दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।